दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय हेड नेक हॉस्पिटल ऑपोजिट मेडिकल कॉलेज हमीरपुर। मंडी में कृषि विज्ञान केंद्र की वैज्ञानिक सलाहकार समिति की 24वीं वार्षिक बैठक और किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया। विधायक सुंदरनगर राकेश जम्वाल ने मुख्य अतिथि शिरकत की। कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के कुलपति प्रोफेसर हरिंद्र कुमार चौधरी कार्यक्रम की अध्यक्षता करते नजर आए। आपको बता दें, विधायक राकेश जम्वाल ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चरखड़ी का भी उद्घाटन किया। तो वहीं कुलपति प्रोफेसर हरिंद्र कुमार चौधरी ने इस मौके पर कहा कि कृषि विश्वविद्यालय प्रदेश में किसानों के लिए नवीनतम कृषि तकनीक को पहुंचाने में निरंतर है। इस दौरान प्रगतिशील किसान, स्वयं सहायता समूह, महिला मंडल और विभिन्न विभागों द्वारा कई प्रदर्शनियां भी लगाई गई थी। इलाका चरखड़ी के हमारी चारों पंचायतों के यहाँ की स्थानीय जनता को, आप सबको बधाई देना चाहूंगा कि वर्षों की आपकी जो मांग, आप चाहते थे कि यहाँ पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर खुले, यहाँ पर भी डॉक्टर बैठे, आज आपकी वो मांग पूरी हो गई है। आज विधिवत पीएससी चरखड़ी का आज विधिवत जो है उद्घाटन कर दिया गया है। कृषि विज्ञान केंद्र का ये वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक भी आयोजित की गई है और उसके साथ साथ किसान गोष्ठी का भी आयोजन आपके आदेशों अनुसार यहाँ पर हुआ है, जिसके लिए दिल की गहराइयों से मैं अपने क्षेत्र की जनता की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। और ये किसान गोष्ठी इससे पहले सुंदरनगर में ही होती थी, इससे नीचे ही होती थी, कभी वाइस चांसलर आपके एरिया में नहीं आए होंगे, कभी ऐसे हमारे अधिकारी वैज्ञानिक आपके क्षेत्र में नहीं आए होंगे। ये पहली बार अगर संभव हुआ है तो तब संभव हुआ है जब जयराम ठाकुर जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज हिमाचल प्रदेश में है। आज किसान गोष्ठी है, किसानों की आय को दोगुना करने के लिए भारत की सरकार, हिमाचल की सरकार मिलकर काम कर रही है। आप लोगों ने भी अनेकों सरकारें बनाई होंगी, आप लोगों ने भी अनेकों प्रधानमंत्री देखे होंगे, अनेकों मुख्यमंत्री देखे होंगे, लेकिन मैं कह सकता हूं कि आजाद भारत के इतिहास में नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री हमने कभी नहीं देखा, ना आप लोगों ने कभी देखा होगा। अब कृषि विश्वविद्यालय का काम क्या था? एक तरीका पहले अपनाया जाता था कि उन्हीं कृषि विज्ञान केंद्रों पर मीटिंगें होती थी और किसानों तक उसकी आवाज नहीं पहुंचती थी। जिस दिन मैं कुलपति बना, जो मुझे शिमला से और माननीय एमएलए साहब से आदेश हुआ, मैंने एक प्रण किया कि अब से ये मीटिंगें जो है वो किसान के खेतों में होंगी, कृषि विज्ञान केंद्र पर नहीं होगी। हम किसानों के बीच में बैठ करके, जैसे आज हम आपके साथ बैठे हुए हैं, ऐसे बैठ करके एक विचार करेंगे, आपकी मुश्किलों को सामने हम उनको सहन करेंगे, सुनेंगे और उनका निवारण किस तरह से कर सकते हैं, वो जो हम कर सकते हैं उसको करेंगे और बाकी हम सरकार के माध्यम से उसको जो है उनके समक्ष रखेंगे। ये प्रक्रिया करने के लिए आप देख रहे हैं कि हमारे 25-30 लोग जो है विश्व कृषि विश्वविद्यालय से वैज्ञानिक यहां आपके बीच में विचरण कर रहे हैं। ये एक शक्ति का संचार जो है गांव-गांव तक जाए। अगर आप जो है कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर नहीं पहुंच सकते, आप कृषि विज्ञान केंद्र सुंदरनगर नहीं पहुंच सकते, कोई बात नहीं, ये हमें हिमाचल सरकार का आदेश भी है और ये हमारा धर्म भी है, हमारा कर्तव्य भी है, उस अलख को जगाने के लिए हम आपके द्वार पर पहुंचेंगे। मेरा ग्रीन हाउसेज का सब्जियों का काम है और साथ ही मैं सेल्फ हेल्प ग्रुपों में भी काम करती हूँ। हमारे ग्रुप में जो है मेडिसिन वैल्यू से भरपूर आंवला के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जिसमें आंवला कैंडी, आंवला के लड्डू और आंवला के गट्टा गट भी हैं। और ग्रीन हाउसेज में मैं खीरा, शिमला मिर्च, टमाटर और ऑफ सीजन की सब्जियां जैसे मटर वगैरह, मिक्स वेजिटेबल का काम करती हूँ और नेचुरल फार्मिंग में करती हूँ। हमारे बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं जिनको प्रशिक्षण कृषि विज्ञान केंद्र की ओर से मिले हैं और बहुत ही अच्छे फूड प्रोसेसिंग पे जो काम कर रहे हैं। सभी का प्रोडक्ट लेके हम लोग एक संडे मार्केट में बेचते हैं, जिससे महिलाओं को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। जो महिलाएं आज की डेट में 2000 रुपये कमाती थी, प्रशिक्षित होकर और अच्छे प्रोडक्ट बनाकर जो है आज की डेट में वो 8 से 9 हज़ार रुपये कमा रही हैं। हम धन्यवाद करते हैं कृषि विज्ञान केंद्र की और ये जो कृषि प्रणाली है इनका, कि ये हमें टाइम टाइम पे अच्छे प्रशिक्षण देते हैं और कई ऐसी टेक्नोलॉजियों से जोड़ते हैं
जिसकी वजह से हम अच्छे प्रोडक्ट बना पाते हैं और आगे फील्ड में उतार पाते हैं। हम महिलाओं को ट्रेनिंगें भी देते हैं, जैसे हमारे बढ़िया हैं, सिप्पू बढ़िया हैं, अचार है, जैम है और मिठाइयाँ हैं। काफ़ी प्रकार की हमने मिठाइयाँ बनाई हैं, जिसमें घी की मिठाई है, संतरे की बर्फ़ी है, पपीते के पेड़े हैं, काफ़ी ऐसी चीज़ें बनाई हैं जो हम खुद को इस बनाकर जो आर्थिक जो हमारी स्थिति है उसको हम सुधार सकें। इसी सोसाइटी के तहत हमने 2,500 लेडीज़ों को अपने साथ जोड़ा है और घर घर जाके उन लेडीज़ों को जो है हमने ट्रेनिंगें दी हैं ताकि वो अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारें। हमारे ये चीज़ें हैं, जैसे आंवला होता है, कचनार होती है, या फिर जैसे हमारा कद्दू होता है, तो इन चीज़ों से हम क्या चीज़ ये तैयार करें कि हम कुछ प्रोडक्ट तैयार करके गांव में रखें, गांव की महिलाओं को रोज़गार दें। इसलिए हम सोचे कि हम महिलाओं को ऐसे क्या इनकम दें जिससे वो हर चीज़ अपने काबिल ले सकें। तो आंवला से हम क्या चीज़ बना सकते हैं, कद्दू का जैम बना के हम पर सीजनेबल, जब कद्दू का सीजन होता है तो 4-5 क्विंटल हम उसका जैम बनाते हैं। फिर ये जो हमने शुरू में अपने ब्लॉक में किया काम स्टार्ट, उसके बाद हमने तरंग ब्लॉक लिया, उसके बाद सरका घाट ब्लॉक में किया, जैसे ये चाल चौक ब्लॉक है उसमें किया, इस प्रकार हमने कोई 5-6 ब्लॉकों में हमने काम स्टार्ट किया। तो धीरे धीरे जब शुरू में हमने काम किया तो इसके साथ हमारे साथ जो महिलाएं कोई 500 से भी अप जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे जो फूड प्रोसेसिंग खाद्य प्रसंस्करण का काम है, इसमें हम हर एक प्रकार की बढ़िया, चाहे वो डांगल की मंडी की जो फेमस बड़ी होती है खड़ी बड़ी, और मांस की बढ़िया होती है, सीरा है, मूंग की बड़ी है, और अन्य दूसरे प्रकार के जैसे आंवला के प्रोडक्ट है, अचार है, मुरब्बा है, चटनी है, कैंडी है, अनेक प्रकार के प्रोडक्ट तैयार करते हैं, उनके प्रोसेसिंग करते हैं और उनको मार्केट में बेचते हैं। हिमाचल हेडनेक हॉस्पिटल, मेकिंग लाइफ ब्यूटीफुल। यहाँ आपको एक छत के नीचे मिलेंगी कई सुविधाएं, जैसे ENT क्लिनिक, डेंटल क्लिनिक। इसके अलावा यहाँ होती है सिर, गला और फेशियल रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, और सभी का उपचार मुनासिब दाम में किया जाता है। साथ ही हिम केयर और आयुष्मान कार्ड भी माने हैं, ताकि आपको मिले बेहतर इलाज और आप जिए बेहतर जिंदगी। हमारा पता है हिमाचल हेडनेक सेंटर @ डॉक्टर AS ठाकुर मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नियर नादौन चौक, हमीरपुर।